यहाँ सामने इसको खाना नहीं मिलता है। किताब पढ़ोगे तुम? नहीं, ठंडी लग रही है हमें। बाय तेज भैया, बाय बाय। आपके हस्बैंड बाय बाय। ताजिश भैया अपना ध्यान रखना, ठीक है? मेरे ताजिश भैया जा रहे हैं दापोरिजो की ओर, बड़े ठंडी में इतने रात को मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ठंडे के साथ पानी भी लेके जा रहा हूँ। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो अगर आप भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो प्लीज ब्लॉग को एंड तक देखना, क्योंकि हम खाना खाने के अभी तक खाना खाया नहीं है, बट खाना खाने के बाद भी हम चैन से नहीं सोते, हम बहुत काम करते हैं। अभी दिखाते हैं हम अपने घर में क्या क्या काम करते हैं। प्लीज लाइक और शेयर कर देना। फिर बहुत से लोग मुझे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि कुछ क्या कहते हैं, कंटेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। पर अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में देखोगे यूट्यूब पे, तो मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि मैं अपना डेली लाइफ लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ, है ना। या कभी कभार घूमने चले जाते तो ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ। सो इट्स लाइक डेली लाइफस्टाइल में तो यही मेरा अरुणाचल का या ढाबे में जाती हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, है ना, हमेशा इंटरेस्टिंग कुछ लाने का, ऑडियंस से रिलेटेबल जो हो वैसे लाने की बहुत कोशिश करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप लोग आराम से ऐसे कमेंट तो कर देते हो कि इंटरेस्टिंग बनाती नहीं, बट बहुत मुश्किल होता है हमेशा, है ना। हमेशा इंसान भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, है ना, हमेशा खुश नहीं रह सकते, पार्टी वगैरह नहीं करते, हमेशा घूमने नहीं जाते हैं। सो इट्स लाइक वही है, सिंपल लाइफ ही मेरे ब्लॉग्स में आप सभी को देखने को मिलेगा। गाना मत गाओ, बिना गाना गा के मूव कर लो, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि मैंने तुमको ही दिया था। नहीं, इधर में लोगों के साथ होता है ऐसा कभी कि अभी सामान यहाँ रखा था, स्पेशली इरेजर कटर मिल गया। सामान जब जरूरत नहीं होता है ना, तब फटाक से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ में ना सामान जब जरूरत नहीं होता तो यहाँ वो आग घुमा वो वही लेटा रहेगा। जब उसे चाहिए होगा ना, हमें जब सामान चाहिए होगा, तब आसमान नीचे सब खोट के निकाल लो, मिलेगा नहीं। घर पे बना है चिकन दाल लेमन और चावल खाएंगे। मेरा हमारा खाना, इसको हम नमसिंह पेरन बोलते हैं। बीन्स को हमने फर्मेंटेड किया है, इतना स्मेली है ना ये, पता नहीं आप लोग कैसे खाओगे, मगर एक बार ट्राई जरूर करना। मम्मी बोल रही है कि मम्मी जब बीमार होती है तब तो तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते, रोती भी नहीं हो, मगर अगर तुम्हारा हीरो कुछ बोल दे तुम्हें तो दिन रात रोती रहती है। कब हम रोती रहे? रोती है तुम? नहीं, तुम्हारा कोई हीरो है क्या? नहीं। गुड मॉर्निंग, अभी हो गए है सुबह, सुबह के 7 बज गए हैं। कल रात मुझे काम करना था मगर मैं सो गई, और मौसी सुबह सुबह उठ के उन्होंने सारा काम कर भी दिया। क्या है? देखो सूरज कितना सुंदर है। इनको कौन लग दून? एंगे? अरे अभी कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। यहाँ अपना फिर से कल भी बर्तन धो रही थी, अभी फिर सुबह उठ के क्या कर रही है तुम? फिर से बर्तन धो रही है। शकल दिखाइए अपना, सुबह सुबह उठने वाला शकल। हमारे सुअर का दाना। ओ पजब कर रहो ना दूध ना।
पता है अभी ये बिल्कुल छोटा है, ये जब बड़ा हो जाएगा इसको हम 15-20-30 हजार में बेचेंगे। जब छोटा होता है तो हम इसको 2-2500 ऐसे में खरीदते। वो रे चुटे चुटे वाह, ये तो पूरा घर है। देखो ये किताब पढ़ने के लिए ऊपर बैठा है। किताब पढ़ोगे तुम? अब हम गाय चढ़ाने जा रहे हैं जंगल में। यहाँ सामने इसको खाना नहीं मिलता, इसलिए हम इसको जंगल में कहीं पहुँचा देंगे, मान के रख देंगे। ना फर्क है ना टाउन सिटीज़ के लाइफ में और एक नॉर्मल टाउन विलेज के लाइफ में। मतलब सुबह सुबह उठ के काम करने लग जाओ, घर का तो है ही, बाहर भी काम करो, खाना बनाओ, फिर अपना ड्यूटी जाओ। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है जंगलों के बीच में ऐसे वॉक करना। देखो पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं तो इतना मोबाइल नहीं देखता था ना, अपना चुपचाप खुद से खेलता था, खुद से खेल खेल के सो जाता था, बिस्तर में खेल खेल के सो जाता था। लेकिन आप यहाँ में लेके आए तो आप तो पूरा बिगाड़ दिया, मोबाइल। आपने बिगाड़ के रखा है अपने बच्चे को। हल्दी भी खत्म, क्या डालू मैं? कैसा लगा मेरा चटनी बनाया हुआ? वीडियो ऑन करते एक्टिंग करना, बोलो ना कैसा लगा? एकदम टेस्टी, बोलो डालो कैसा लगा? टेस्टी लगा। रकम रकम आने मार मैंने लाइक एंड शेयर करना, एकदम बटन दौड़ रही। देखो तुम मोनू ड्योरी की तरह क्यों बात कर रहे हो? लाइक एंड शेयर करना बेटा, बर्तन धो रहे। मोनू ड्योरी जैसा ऐसा गाल के बात करते हैं।